हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिनके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है। और ये सेटिंग्स फ्रेंड्स सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और फ्रेंड्स इनका आप सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगी सबसे पहले। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं फ्रेंड्स। प्ले स्टोर की सेटिंग्स को सीखने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। चलिए मैं प्ले स्टोर में आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखिए आप यहाँ पे थ्री डॉट का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे मैं चलती हूँ और इसे स्क्रॉल करने के बाद में देखिए यहाँ पर सेटिंग लिख कर आ रहा है। सेटिंग को प्रेस करती हूँ, इसे फिर से हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल लिख के आ रहा है। पेरेंटल कंट्रोल को आप, ये मैंने ऑन कर रखा है। ये ऑन करने से होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये पिन मांगता है। जब पेरेंटल कंट्रोल को ऑन करते हैं, 4321 मैंने डाल दिया, डन कर दिया। अब मेरा पेरेंटल कंट्रोल ऑन करते हैं, 4321, फिर से ये कंफर्म मांग रहा है, 4321, डन कर दिया मैंने इसे। देखिए पेरेंटल कंट्रोल ऑन हो चुका है मेरा। ये देखिए इस तरीके से पेरेंटल कंट्रोल ऑन होने के बाद में यहाँ पर सेव मांगता है। इस फ्रेंड्स इस सेटिंग का फ़ायदा होता ये है कि चलिए अगर हमारा 12 साल का या 10 साल का बच्चा इस मोबाइल को यूज़ कर रहा है तो फ्रेंड्स इसमें कोई इसमें एज को सिलेक्ट कर देने से, ये देखिए 7 एज सिलेक्ट है, 12 सिलेक्ट है, 16 सिलेक्ट है, इसमें हमने ये इसे बता दिया है कि इतनी इतनी एज के लोग इसे मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो ये फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड आप लोगों को ऐप्स भेजेगा जो कि मतलब बहुत ही बेकार के ऐप होते हैं, आप समझ रहे होंगे। उस प्रकार के ऐप भी ये आपके प्ले स्टोर में नहीं ओपन करेगा। तो इस सेटिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को ये मिलने वाला है। मैंने इसे सेव कर दिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। चलिए फिर हम बैक में आते हैं, आप लोगों को मैं अगली सेटिंग के बारे में बताती हूँ फ्रेंड्स। चलिए देखिए ये यहाँ पर सबवे सरफेस है, पप्स मोबाइल है, हिली क्लाइम रेसिंग है फ्रेंड्स। चलिए देखिए देखते हैं कि अगर ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हें डाउनलोड कर लूँ, लेकिन किसी कारणवश डाटा ना होने की वजह से या फिर समय ना होने की वजह से मैं इन्हें डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ और मैं इसे डाउनलोड करना चाह रही हूँ। बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि प्ले स्टोर हमारी ये सभी ऐप बदल देता है क्योंकि यहाँ पर नए ऐप रिप्लेस कर देता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें करना क्या है, ये थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉल ऐड टू प्ले विश लिस्ट। तो ऐड टू विश लिस्ट में करने के बाद में हम इसे अपने प्ले स्टोर में, देखिए अब चलते हैं हम अपने थ्री डॉट पे। चलने के बाद में देखिए यहाँ पर ये विश लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जाने के बाद ये अब हमारे मोबाइल में हमेशा के लिए, ये सबवे सरफेस मैंने अभी अभी विश लिस्ट में ऐड किया है। तो देखिए आपने किस तरीके से हमने ये अब जब चाहे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये हमारी मेमोरी से जाएगा भी नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जैसे ये लोग वीडियो बनाते हैं, इन लोगों को आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से ये लोग नए नए ट्रिक्स निकाल के लाते हैं और इन्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है और कौन सा ऐप नहीं लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको आना है अर्ली एक्सेस पे। अर्ली एक्सेस पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए ये इसने सारे ऐप्स हमारे सामने रख दिए हैं जो कि अभी रिव्यू में हैं फ्रेंड्स। ये सभी अभी प्ले स्टोर के रिव्यू में पड़े हुए ऐप हैं जो कि आप वैसे यहाँ से आप इन्हें वो करके डाउनलोड करके आप इनका आनंद भी उठा सकते हैं अगर कोई आपके मतलब का है तो। और इस तरीके से इन पर वीडियो बनाने से फ्रेंड्स आप वीडियो बनाकर टॉप ऑफ द टॉपर भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमारा प्ले स्टोर हमसे अपडेट मांगने लगता है फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और प्ले स्टोर कभी भी प्ले स्टोर से अपडेट नहीं होता है, इसके लिए फ्रेंड्स एक नई ट्रिक है कि आपको अपने क्रोम में जाना होगा। देखिए ये मेरा, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको जाकर गूगल प्ले सर्विस लिखना है, गूगल प्ले सर्विस सर्च कर देना है फ्रेंड्स। देखिए ये गूगल प्ले सर्विस ओपन हो गया है फ्रेंड्स। देखिए ये गूगल प्ले सर्विस ऐप इंस्टॉल्ड मेरे मोबाइल में है और ये यहाँ पर आ चुके हैं सब गूगल प्ले सर्विस के सॉफ्टवेयर।
अब यहाँ पे देखिए, डाउनलोड गूगल प्ले सर्विस फॉर एंड्रॉयड फ्री लेटेस्ट वर्जन। फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से आप अपने गूगल को अपडेट कर सकते हैं और उसकी नई जितनी भी सेटिंग्स आई हैं तो फ्रेंड्स अपने मोबाइल में आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने वर्जन में नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।